ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं सैमसंग और आईफोन से रिलेटेड। जी हां दोस्तों, और यहां पर मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक मिनट का भी वीडियो मिस करो, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने ब्रेकआउट भी नहीं दिया हूं, ताकि आप एक मिनट का भी वीडियो मिस नहीं कर पाओ, स्किप नहीं कर पाओ। यहां पर दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको प्रॉपर मैटर समझ जाओगे। और साथ ही में अगर आप पहली बार आए हो चैनल के ऊपर, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे रखिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें ज्यादा से ज्यादा। अब यहां पर देखिए गाइस, सैमसंग और आईफोन पे आने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं OIS के बारे में, मतलब आपके हिसाब से OIS क्या है। अगर गाइस मैं इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करूंगा तो यह है ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन। यहां पर इमेज स्टेबिलाईजेशन दोस्तों जैसी नाम आता तो हमें एक ही चीज समझ में आती है कि भाई फोन से हमको फोटो क्लिक करना है और उसका इमेज स्टेबिलाईजेशन बहुत जबरदस्त है, इसलिए फोटो जो है वो और ज्यादा बेटर आती है और ज्यादा क्लियर और ब्लरी इमेज हमें नहीं देखने के लिए मिलती है। लेकिन यहां पर गाइस मैं आपको बता देता हूं कि जो इमेज स्टेबिलाईजेशन है ये एक्चुअली में दो चीजों के ऊपर रहता है, मतलब दो चीजों से इमेज स्टेबिलाईजेशन बनता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो मोबाइल्स में हमें इमेज स्टेबिलाईजेशन दिखता है, जनरली मैं आपको बोल रहा हूं, वो लेंसेज में रहता है। और जो हमें DSLRs में इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलता है वो एक्चुअली में सेंसर्स में रहता है, उसमें लेंसेज का कोई काम नहीं होता खास तौर से इमेज स्टेबिलाईजेशन के लिए। अब यहां पर लेंसेज में कैसे रहता है, आपने वीवो के X सीरीज के फोन देखा होगा जहां पर वीवो ने बहुत उसको ऐड किया था कि जिम्बल सपोर्ट के साथ में ये आता है, विच मींस कि जब आप फोटोग्राफी करते हो या वीडियोग्राफी करते हो अपने फोन से तो आपका जो लेंस है वो बाकायदा मूव होता है, तो उसमें इमेज स्टेबिलाईजेशन जो है ना दोस्तों वो बहुत जबरदस्त आता है। अब यहां पर जनरली मोबाइल्स में सेंसर्स में इमेज स्टेबिलाईजेशन क्यों नहीं मिला, लेंसेज में इमेज स्टेबिलाईजेशन क्यों मिला है, ये चीज जो है ना दोस्तों वो सोचने वाली बात होती है। यहां पर देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर सेंसर्स में इमेज स्टेबिलाईजेशन को रखना है तो यहां पर कुछ थोड़ी दूर के ऊपर जो है ना वो लेंस होना चाहिए, तब जाके वो एकदम प्रॉपर काम करेगा। अगर लेंस सेंसर से बिल्कुल मिलता जुलता रहा तो भाई वो इतना कुछ काम नहीं करेगा। और यही चीज जनरली, यही साइंस और यही टेक्नोलॉजी हम DSLRs में देखते हैं, क्योंकि उनका सेंसर जो है बहुत पीछे लगा होता है और आगे जो है ना वो लेंस होता है। और गाइस कहीं ना कहीं पर यही रीजन है कि DSLRs में जो है ना वो इमेज क्लैरिटी बहुत जबरदस्त होती है, अगर हम इमेज स्टेबिलाईजेशन के बारे में बात करेंगे तो। अब अगर दोस्तों मैं बात करूंगा सैमसंग की, तो एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से सैमसंग में ये टेक्नोलॉजी आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra में जो इमेज स्टेबिलाईजेशन होगा वो इस बार लेंस में नहीं होगा बल्कि सेंसर में होगा, जबकि सैमसंग गैलेक्सी S22 Ultra तक सैमसंग ने लेंस में जो है ना दोस्तों वो इमेज स्टेबिलाईजेशन की टेक्नोलॉजी दी है। अब दोस्तों यहां पर आप बोलोगे कि भाई ये फिर कॉपी कैसे हो गया यार, मतलब आईफोन से कैसे कॉपी कर लिया। हियर्स द मेन पार्ट गाइस, जो टेक्नोलॉजी सैमसंग अपने आने वाले फोन में लाने की कोशिश कर रहा है वो टेक्नोलॉजी आईफोन ने iPhone 12 सीरीज में लेके आया है। कैन यू बिलीव इट, iPhone 12 सीरीज से जो हमें इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलती है वो एक्चुअली में उसके लेंस में नहीं है, वो उसके सेंसर में मिलती है। इसलिए गाइस जब आप कंपेयर करोगे साइड बाय साइड क्वालिटी की बात करूंगा तो iPhone जो है वो स्टेबिलाईजेशन में एकदम जबरदस्त है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है iPhone 12 सीरीज से कि जो इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलता है वो सेंसर्स में मिलता है और लेंसेज में नहीं मिलता है। अब गाइज इस टेक्नोलॉजी को मोबाइल डिवाइस में लाना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि अगर आप सेंसर्स में इमेज स्टेबिलाईजेशन की टेक्नोलॉजी देते हो तो जो लेंस होगा वो सेंसर से थोड़ा दूर जो है ना वो सिचुएटेड रहेगा। लेकिन मोबाइल में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मोबाइल एक छोटा सा टाइनी डिवाइस होता है, तो इसमें क्या होता है कि लेंसेज के जस्ट पीछे जो है ना वो सेंसर सिचुएटेड रहते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों आईफोन ने इस चीज में चांस लिया और आईफोन ने ये किया कि जो सेंसर्स हैं उसको बड़ा कर दिया। इसलिए गाइस अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे आईफोन 11 को और आईफोन 12 सीरीज को तो आईफोन 12 सीरीज के जो सेंसर्स हैं वो काफी बड़े हैं। और यहां पर गाइस सोचने वाली बात ये भी है कि इतनी बड़े टेक को अपनी आने वाली सीरीज में एक तरीके से जो है ना टेस्ट करना वो भी जो है ना दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पता नहीं यार इससे पहले कभी ऐसी टेक्नोलॉजी जो ना वो मोबाइल में आई नहीं, और अभी अगर ये फेल हो जाती है तो उसके बाद में फिर कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना वो फेल हो जाता है। लेकिन यहां पर गाइस एप्पल ने चांस लिया और इस टेक्नोलॉजी को मोबाइल में निकाला, और अभी हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे जो इमेज स्टेबिलाईजेशन एप्पल प्रोवाइड करता है वो एंड्रॉयड के किसी भी फोन में नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसमें जो इमेज स्टेबिलाईजेशन मिलता है वो सेंसर में मिलता है, और ये भी जो है ना दोस्तों एक तरीके का रेवोल्यूशन माना जाएगा मोबाइल इंडस्ट्री में। तो हाँ, मतलब आईफोन में जो ना इतने बड़े बड़े सेंसर जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली ये कोई शो पीस नहीं है,
इसकी क्वालिटी भी वैसी मिलती है कंपनी की तरफ से, तो इसलिए जो है ना दोस्तों इतने बड़े बड़े सेंसर्स मोबाइल में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर गाइस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक टेक्नोलॉजी जो सैमसंग के आने वाले फोन में है, वो आईफोन ने अपने दो फोन पहले ही जो है ना दोस्तों वो टेक्नोलॉजी निकाल दी अपने फोन में। यहाँ पर दोस्तों इसमें आपका क्या कहना है आप मुझे जरूर से बताना, यही मेरा छोटा सा वीडियो था। आई होप कि आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी गाइस मैंने कोशिश करी आपको एक्सप्लेन करने की। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है मुझे जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।